ओम शांति। सोचो अगर मेरा मन ने एक मिनट में ऐसे अधिक सोच चलता है तो मेरे स्थान पर क्या फैलाता जा रहा, क्या फैलाता जा रहा, कौन सा वाइब्रेशन देता जा, तो एक कलयुग कैसा बना? एक को एक दूसरे को कॉपी करने से, एक को एक दूसरे को कॉपी। अगर रानी बहन है ना, रानी बहन के घर में कोई आपके नाम क्या बोला, सॉरी सविता बहन गया, रानी बहन ने उसको बहुत अच्छी तरह से कातरी किया, उसको अच्छी तरह से चाय पानी पिलाया, उसको लड्डू वगैरह खिलाया। एक बार सविता बहन रानी बहन के घर में जाते हैं तो रानी बहन चाय पानी भी पूछता नहीं। ये रानी बहन ने क्या किया, उसका व्यवहार को अपने दिमाग में रखा। दूसरी बार जब वही रानी बहन सविता बहन के घर में जाता है तो सविता बहन के क्या करेगा, उसको क्या बोलेगा, फोन किएंगे तो क्या करेगा, क्या बोलेगा, मैं तो घर में नहीं रहता हूं, मुझे बाहर जरूरत के काम है, मेरे लिए टाइम नहीं है, ये सब आ जाता है। तो किसका संस्कार किसने कॉपी किया, किसका संस्कार किसने कॉपी किया? एक में था सत्कार करने का संस्कार, एक में था सत्कार का विशेषता उसमें नहीं है। मैं उसके पास गया, उसका संस्कार को देखा, कॉपी किया और मेरा संस्कार छोड़ दिया, तो दो लोग क्या बन गया, सत्कार के संस्कार छोड़ करके सभी भी एक तरह की क्या बन गया, कंजूसी संस्कार अंदर ले लिया। तो एक दूसरे ऐसे कॉपी करते करते क्या हो गया, कलयुग क्या हो गया, भावनाएं बिगड़ गया, भावनाएं बिगड़ते बिगड़ते पूरा दुनिया क्या हो गया, वो ये तो कॉमन समझ लिया, क्या समझ लिया, ऐसे कॉमन समझ लिया। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अब जाओ सामूहिक रूप से इस दुनिया को बिगड़ने में आप सब एक्सपर्ट है, तो वही सामूहिक रूप से आप लोग इस दुनिया को बनाने में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसीलिए एक सिस्टम लेके आया था एप्रिल में, थर्ड संडे को कलेक्टिव मेडिटेशन। क्यों कलेक्टिव मेडिटेशन किया जाता है, सभी का सामूहिक रूप से क्यों योगदान किया जाता है, क्यों, क्योंकि इस ब्रह्मांड को उसका बहुत बहुत जरूरत है। अभी हम सब इस ब्रह्मांड में कौन कौन पुण्य का खाता जमा करना चाहते हैं, खास बताइए, तो अभी हम आज एक 15 मिनट आप सभी एक सहयोग देना है, आप सबको पानी पीना है तो पानी पीजिए, आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश हो जाए। अभी हम 10-15 लोगों का सहयोग से इधर चेयर सिस्टम को प्रीति से सेटिंग करना है। वो सेटिंग करने के बाद जो वरिष्ठ दीदिया है और भाई जी है सभी इधर सोफे में आएगा, हम सब एक ग्लोब के रूप से प्रेक करके आज एक हम सामूहिक ब्रह्मांड योग करेंगे। बीच में बाप दादा जो ब्रह्मांड नायक है उसको बुलाएंगे और एक एक तत्व से कैसे बात करना है, तत्व को कैसे हम शुक्रिया देना है, ग्रहों को कैसा अपना दोस्त बनाना है, वो प्रयोग आपको सिखाया जाएगा। इससे आपको कितने फायदा मिलता है वो भी आप देख सकते हैं। ये सब करने के लिए तैयार, रेडी, तो एक बात पर ध्यान रखना, आप बाहर जाते इस मुंह को नहीं खोलना, बाबा के याद के गीत डाला जाता है, आप पीसफुली थोड़ा टाइम उधर पानी वगैरह लेकर के फ्रेश हो जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी वहां सेटिंग करके वो ग्लोब में आपको